चैनल, दिस इज योर प्रेरणा रॉय। एंड कैसे हो आप सभी? सो अभी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी इस वीकेंड के बारे में। शूट तो मैंने संडे को ही किया था, बट ये वीडियो धीरे धीरे करके आप लोगों के पास आ रही है, ठीक है। तो मैंने आप लोग तो ना कमेंट्स कम्युनिटी पोस्ट में बच्चों के ना आए थे कि दीदी हॉस्टल रिपोर्टिंग क्या होता है, हॉस्टल को मतलब कब जाना है या हॉस्टल के फॉलोअप क्या क्या होते हैं। तो गलगोटियाज़ के हॉस्टल के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, बट मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को दूंगी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब मैंने गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी और जीसेट के जो दोनों गलगोटियाज़ के कैंपस है ना, उनके हॉस्टल के बारे में मैंने बात भी की थी, तो मुझे यही लगा कि शायद बच्चे जो है ना वो है ही नहीं इंटरेस्टेड, क्योंकि ना मैंने जो जो ने बातें बोली उन्होंने उल्टी ही समझी। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को हॉस्टल रिपोर्टिंग और अगर आप नहीं जाओगे तो क्या होगा और आप लोगों को क्या क्या सामान आप लोगों को हॉस्टल में ले जाना जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सो सबसे पहले हम डेट ऑफ हॉस्टल रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट कब जाएगा। तो ये लोग ना, इन लोगों का सिस्टम होता है, तो इन लोगों को उस हिसाब से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, तो इसीलिए इन लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग डेज पे बुलाया हुआ है, ठीक है। सो नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी हॉस्टल में रिपोर्ट कर चुके हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग उनकी जो रिपोर्टिंग की टाइम है ना वो 1 अगस्त को थी, तो वो सारे ऑलरेडी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद 4 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि जो एग्रीकल्चर के जो बच्चे होंगे ना बीएससी एग्रीकल्चर के, उन लोगों को 4 सितंबर को जाना है हॉस्टल में रिपोर्ट करने के लिए, मतलब रहने के लिए अपना सामान लेके। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पॉलीटेक्निक, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, इन सभी डिपार्टमेंट को 16 सितंबर जिस दिन सैटरडे है उस दिन तब वहाँ पर उन लोगों को अपने रिपोर्टिंग मतलब हॉस्टल रिपोर्टिंग करने के लिए उन लोगों को तब वहाँ पर जाना है। इसके बाद 4th सीरीज़ में लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म, इन लोगों को 17 सितंबर को अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए हॉस्टल जो है जाना है, चाहे वो गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी का हो चाहे वो गलगोटियाज़ कॉलेज का हॉस्टल हो, ठीक है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो मैंने यहाँ पे नाम लिया उन सभी को 18 सितंबर को यानी कि जिस दिन मंडे होगा उस दिन जाना है उन लोगों को अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए हॉस्टल में, ठीक है, कि हम भाई आ गए हैं हमारी जो रूम थी अब दे दो हमें, ठीक है। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेज, बायोमेडिकल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल एंड अलाइड साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, इन लोगों को 19 सितंबर को हॉस्टल में अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए जाना है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, इन लोगों को 20 सितंबर को हॉस्टल रिपोर्टिंग करने के लिए जाना है। तो ये बात हो गई हमारी। सो अब हम बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल की, ठीक है। अब वेबसाइट पे एक एनेक्सर 2 आया हुआ है जिसमें रिपोर्टिंग टू द हॉस्टल क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु आर अवेलिंग द हॉस्टल फैसिलिटी शुड रिपोर्ट ऑन द डेट मेंशन अगेंस्ट देयर स्कूल इन द एनेक्सर 1, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को इसमें बताई कि इस डिपार्टमेंट को इस दिन आना है तो उनको उसी दिन वहाँ पे जाना है रिपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है शुड रिपोर्ट ऑन द डेट मेंशन्ड अगेंस्ट देयर स्कूल इन एनेक्सर 1, ठीक है। इसके बाद जो गर्ल्स हॉस्टल है, मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था गर्ल्स हॉस्टल गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले कैंपस में, जिसका एड्रेस है नॉलेज पार्क 2, नियर वही नॉलेज पार्क वाला मेट्रो स्टेशन है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि गर्ल्स हॉस्टल की जो वार्डन है ना, मैं आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इनसे बात कर सकते हैं। एक का नाम है मिसेस कल्पना शर्मा, जिनका नंबर वहाँ पे दिया गया है, मिसेस नम्रिता सिंह, इनका नंबर भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं बॉयज़ हॉस्टल हमारा मतलब दोनों जगह ये बॉयज़ हॉस्टल, लेकिन एनेक्सर में बॉयज़ जो है बॉयज़ शुड रिपोर्ट एट दी फॉलोइंग एड्रेस, यानी कि हम जहाँ पे गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी है प्लॉट नंबर 2 सेक्टर 17A यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा पे, ठीक है। तो बॉयज़ हॉस्टल के जो वार्डन है वो मिस्टर दीपक कुमार एंड मिस्टर अनूप तिवारी हैं, इनका नंबर भी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी और आप लोगों को एड्रेस जो है गूगल पे मिल जाएगा। नीचे लिखा हुआ है दी फैकल्टी एंड वार्डन्स विल बी एट दी हॉस्टल रजिस्ट्रेशन डेस्क टू गाइड
कोई भी वहाँ पे या तो कोई फैकल्टी होगी या वार्डन होगी, वो आप लोगों को हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे डेस्क पे बैठे रहेंगे आप लोगों को गाइड करने के लिए थ्रू दी हॉस्टल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब आपने हॉस्टल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया होगा ना, तो होंगे वहाँ पे द स्टूडेंट्स विल बी गिवन अ हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टूडेंट्स फॉर्म उसी दिन, मतलब जिस दिन आप लोगों को हॉस्टल रिपोर्टिंग का टाइम है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा हॉस्टल का। उसको सबमिट करने के बाद हॉस्टल फी रिसिप्ट आप लोगों को सबमिट करनी होगी। दे विल बी अलॉटेड अ रूम ऑप्टेड फॉर एज दी फी पेड। ये आप लोगों ने पहले प्रोसीजर किया होगा, जिन्होंने हॉस्टल ले लिया, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया है। द स्टूडेंट शुड ब्रिंग विद देम दी फॉलोइंग आइटम्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। I don't know guys, ये तो बहुत ही यहाँ पे, मतलब पहले इन लोगों ने लिखा था कि हम ये सारी चीज़ें देंगे, मैट्रेस, बेडशीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट, और अब ये लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें लेकर आनी है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू दी हॉस्टल्स। तो मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या क्या सामान जो है आप लोगों को लेकर आना है, क्योंकि ये तो बहुत ही अजीब सा वियर्ड, मतलब समझ रहे हो ना, वियर्ड है ये तो काफ़ी ज़्यादा। सो बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब हम हॉस्टल जाते तो मेरी फ्रेंड थी जो जी सेट में है, तो वो लोग क्या क्या लेकर गए थे, कपड़े, ठीक है, टॉयलेटरीज, तो आप लोगों को अपना ग्रोसरी का सामान तो आप लोगों को लेके ही जाना होता है, ठीक है, आयरन जो होता है ना कपड़े प्रेस करने लगे, क्योंकि वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। वही खाने पीने का सामान, एक दो बर्तन ले लो, प्लेट ले लो, बाउल ले लो, ग्लास ले लो, तो यही सब छोटे मोटे सामान जो है आप लोगों को हॉस्टल जाते समय ले जाना होता है। और मैं आप लोगों को पर्सनल चीज़ बता दूँ, जो एज अ गर्ल मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं रोप लेके गई थी कपड़े बालकनी में लगाने के लिए, क्लिप्स लेके गई थी, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, क्योंकि मुझे पता था हम बाहर जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो इसी के साथ हॉस्टल वाली वीडियोस को हम खत्म कर दे हैं, क्योंकि भाई गलगोटियाज का हॉस्टल मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी इसके बारे में। तो चलो टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस। इसी तरह आप लोग वीडियो को और प्यार करते रहो और प्यार देते रहो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।